चरणों में मन रख दो।
साक्षात् श्रीकादशरुद्र साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मलादेव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महानुमान नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महाभैरव नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री बुद्ध नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महावीर नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महाकार्तिकेय नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महागणेश नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री येशु क्रिस्त नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मदेव सरस्वती नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री शिव पार्वती नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री हिरण्यगर्भ नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति मातारी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी।
साक्षात् श्री कल्कि साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्कि साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत् त्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचा नमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मय त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नवः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वम् इन्द्र त्वम् अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव
मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकार मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निजगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। वीकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदौ हस्तै बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तलम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम्। आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतिः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनावरः। नमो घातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करै सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करै हनुमान। हनुमंत संत हितकारी सुनिली जय प्रभु विनय हमारी जन के काज विलंब न की जय आतुर धौरी महा सुख दी जय। जैसे कूद सिंधु महि पारा सुरसा पदन पैठ विस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुर लोका। जाय विभीषण को सुख दीन्हा सीता निरखि परम पद लीन्हा बाजू जारी सिंधु मह बोरा अति आतुर जम का तर तोरा अजय कुमार कुमारी सन्हारा लूम लपेटी लंक को जारा लाह समान लंक जड़ गई जय जय धुन सुर पुर मह भाई। अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करम पुर अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होए दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भट नागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैरी मारु बज की कीले गदा वज्र लय बैरी मारो महाराज प्रभु दास उबारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो वज गदा हनु विलंब न लावो। ओम हिं 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु अरि उर शीसा। सत्य हो हरि शपथ पाय के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा। जब तप नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा वन उपवन मग गिर गृह माही तुम्हारे बल हम डरपत नाही। पाए परो कर जोरी मनावो यही अवसर अब कही को हरामो। जय अंजन कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता बदन कराल काल कुल भालक राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बिताल काल मारी मर इन्हें मार दो शपथ राम की राघव नाथ मर जात नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो ताकी शपथ विलंब न लावो।
जय 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 तुम्हें होते आकाशा सुमिरत होए दुसह दुख नासा चरण शरण करी जोरी मनावो यही अवसर अब कहीं दोहराओ उठ उठ चल तो ही राम दुहाई पाए परों कर जोरी मनाई ओम चंग 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता ओम हंग हाक देत कपि चंचल ओम संत स्वामी पराने खल दल अपने जन को तुरतो बारो सुमिरत होय आनंद हमारो बजरंग बाण जहि मारे काहि कहो फिर कौनो बारे बाध करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कांपे रूप दे जो जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा प्रेम प्रतीति ही कपी धजे सदा हरे उर ध्यान देह के कारज सकल सुख सिद्ध करे हनुमान सिद्ध करे कटनाशनम श्री गणपति स्तोत्रम प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यं आयुष्कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डञ्च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमञ्च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरप्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेद् गणपति स्तोत्रम् षड्भिर्मासै फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिञ्च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारदपुराणे संकटनाशनम् श्री गणपति स्तोत्रम् संपूर्णम् साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. The Mahakalic force is the one which is working out the constructive force. If you are constructing something and there is destruction which is trying to destroy your construction, then you have to destroy that destructive person, but in a very positive way. All of the goods, get out, Jai Shri Mahakali.
All of the boots, get out. Jai Shri Mahakali, and replace them, dear mother, with your divine love. Please replace them, dear mother, with your divine love. All of the boots, get out. Jai Shri Mahakali, all of the boots, get out. Jai Shri Mahakali, and replace them, dear mother, with your divine love. Please replace them, dear mother, with your divine love. Om Shatru Mardini Namah. ॐ श्री अम्बिका देवी नमः. ॐ मधुसूदनाय नमः. ॐ तारकासुर संहन्त्री नमः. ॐ शुंभ शुंभ संहन्त्री नमः. ॐ श्री दुर्गा माता जगदम्बा नमः. ॐ श्री रक्षाकरी नमः. ॐ राक्षसघ्नी नमः. ॐ श्री चामुंडा नमः. ॐ मधुकेतवहंत्री नमः. ॐ नरकांतका नमः. ॐ भंडासुरमर्दिनी नमः. ॐ श्री शिरडी साईनाथ नमः. ॐ श्री शिवशक्ति पुत्र कार्तिकेय नमः. ॐ श्री कार्तिकेय नमः. ॐ सर्वासुरमर्दिनी नमः. ॐ सर्वबाधाविनाशिनी नमः. ॐ सर्वसत्यगुरुमर्दिनी नमः. ॐ सर्वभयहारिणी रुद्ररूपा नमः. साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. जय श्री माताजी एवरीवन. श्री माताजी की असीम अनुकंपा में इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में आज हम सभी सहजी भाई बहन जिनको श्री आदि शक्ति ने पृथ्वी पे अवतरित होके स्वयं आत्म साक्षात्कार दिया, जिनकी कुंडलनी शक्ति को जागृत किया, जिनके आज्ञा चक्र को जो जन्म जन्मांतर से किए गए कर्मों के अनुसार बंद था, उन कर्मों के फलों को काट के आज्ञा चक्र को पार कराया. अभी तक जो मनुष्य तीन डायमेंशंस में जी रहा था, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, वो चौथे डायमेंशन में प्रवेश करके जो दिमाग से परे जिस तक पहुंचना और जिसको समझना हमारे इस दिमाग से संभव नहीं, वो स्थिति माँ ने हमें प्रदान की. आज ये विशेष कार्यशाला जो आज माँ ने रखी है, उन सभी भाई बहनों को लाभान्वित करेगी जो उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाते,
जिसके लिए हमें आत्म साक्षात्कार दिया गया। बार बार कुंडलिनी माँ अथक प्रयास से हमें शुद्ध करती है, हमारे नीचे के चक्र का भेदन करके कुछ तंतु आज्ञा चक्र का भेदन करते हैं और फिर बार बार आज्ञा से नीचे गिरती रहती है। वो स्थिति नहीं बनी रहती जिससे हम निरंतर उस अवस्था में रहे, ईश्वर के साम्राज्य में रहे, श्री माता जी के श्री चरणों में रहे और निरंतर आज्ञा चक्र के परे, सहस्त्रार के परे अपने चित्त को हल्का करके उन अनेकों आयामों को प्राप्त करें जिसके द्वार माने खोल दें। आप सभी का इस कार्यशाला में स्वागत। आप सबको मेरा सादर नमन। आज की इस कार्यशाला में मुख्यतया निर्विचारिता के अलग अलग तरीके जो सब चित्त के माध्यम से हैं, उनको हम अनुभव करने का माँ से वरदान मांगेंगे। हे परम पावनी माँ, आज आप हमें वो वरदान दे जिससे हम निर्विचारिता को निरंतर प्राप्त कर सके, हम निर्विचारिता में रह सके। माँ माँ आज्ञा चक्र को पार करना एक तप है, उसके बाद ही आपकी दी हुई शक्तियां क्रियान्वित होती है, पंच तत्वों में मिलन होता है, आकाश में मिलन होता है, अंतरिक्ष को हम जो अनकॉन्शियस का एरिया है, जो हमारे कॉन्शियस ब्रेन में नहीं है, उसको हम महसूस कर पाते हैं। ये परम पावनी माँ कृपा कीजिए और आज की इस वर्कशॉप को आप श्री गणेश रूप में सफल बनाइए। माँ विघ्नहर्ता श्री गणेश जी कृपा कीजिए और सबको वो अनुभव प्रदान कीजिए जिसके लिए हमें वरदान मिला, हमें चुना गया। जय श्री माता जी। आज हम सबसे पहले वो ब्रीदिंग टेक्निक देखेंगे जिसमें किसी भी इच्छा को पूर्ण करने के लिए हम किस प्रकार से अपने चित्त में उस इच्छा को रखते हैं और जैसे ही वो प्राण शक्ति से मिलते हैं बेकन छोड़ते हैं, हम अपनी ब्रीथिंग को रोकते हैं और फिर सांस छोड़ते हैं तो हम निर्विचार हो जाते हैं और वो इच्छा ही विलुप्त हो जाती है। निर्विचारिता में ना रहने का प्रमुख कारण आज्ञा चक्र में अनेकों विचारों का आना है जो भूत और भविष्य से हमारी इच्छाओं के कारण, अशुद्ध इच्छाओं के कारण निरंतर हमें परेशान करते हैं और ध्यान में निर्विचारिता में जाने नहीं देते हैं। तो यदि हम अपनी सभी इच्छाएं इस ब्रीदिंग टेक्निक से अचेतन में छोड़ देंगे तो वो माँ के श्री चरणों में चली जाएंगी, कॉस्मिक पावर्स परम चैतन्य उनको संभालेगा, हम नहीं। और ऐसे हमारा आज्ञा चक्र
एकदम शुद्ध बना रहेगा, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है सहज मोक्ष अर्थात इच्छाओं से मुक्ति, जिनके कारण ही अपूर्ण इच्छाओं के कारण ही हम निरंतर पृथ्वी पे आते हैं, जन्म लेते हैं और ये चक्र चलता ही रहता है जन्म मृत्यु का। इच्छाओं से मुक्ति, इसीलिए सहज योग में सबसे पहले जो वरदान हमें महसूस होता है, हमारी एक एक करके सारी इच्छाएं पूर्ण होने लगती है। फिर एक समय आता है कि सिवाय ईश्वर के मिलन के और योग के कोई दूसरी इच्छा ही नहीं बसती। हमें उसी स्थिति को प्राप्त करना है। तो चलिए अपनी सभी इच्छाओं के लिए माँ की बनाई हुई टेक्निक, बताई हुई टेक्निक को ध्यान से सुने और फिर उसका अनुभव लेंगे। That is, these emotions are actually the left side, as I said, is the desire. So the desire is taken, any desire, and is put in the prana. Now how do you put it on the prana? That you control your prana. That's why they do pranayamas. See, like you sit down now, very comfortably. Now you have a desire, put your attention to that. Attention is very important, see. Now this attention is to be put onto the prana. So the emotions are there, and then bring those emotions and put them into your attention. Means they are now, you are aware of them. Now what you do is to watch your breathing. See now, try to reduce your breathing. Reduce it. In the sense that you have breathed out, wait for a while, then breathe in. For a long time, then you breathe out. So in 1 minute, your breathing will be less than normal. All right, try that. Breathe in. Now with the emotions, keep the attention on the emotions, you see, so that the connection is established. Better? See the Kundalini rises? Now when you are breathing, you find that there is a space in between which you just leave it vacant. Breathe in, now leave it vacant. Now breathe out. Now leave it vacant. Breathe in, keep it there, then leave it. Keep outside, now breathe in. Now start breathing in such a way that you stop your breathing.
attention should be on the heart or could be on the emotions. Better. Keep the breathing inside for a while. Bring it out, then outside for a while. Then again. Then you'll find that for a while you will not breathe. See, you settle now. The laya takes place between your prana and your mana. Both the shaktis become one. Now, at this stage when you are silent, now you think of your intellect. It's lost. Just think of it, it's lost, it's no more there. So what is happening? Actually, that this laya, the attention, goes into the intellect and enlightens the intellect. See, the thought is not there. Try to find your intellect within yourself. Now see, where is my intellect? Try to find it. Not there. It's not working. Again try it. It is working, but it has become the samashti. It's become the collective now. See now? Did you follow that? There's no thought. This exercise will give you this thoughtless awareness, establishment of thoughtless awareness. There is no thought. Jai Shri Mataji. आज की इस वर्कशॉप को हम शुरू करते हैं. सबसे पहले श्री गणेश जी से वंदना करेंगे, प्रार्थना करेंगे. हे प्रभु श्री गणेश, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, कृपा करके हमारे सभी कार्य को निर्विघ्न करें. सबसे पहले लेफ्ट साइड, जहां से इमोशंस आते हैं, इच्छाएं जागृत होती हैं, लेफ्ट साइड से आते हुए इमोशंस को हम यदि अपने अटेंशन पे रखें, क्योंकि अटेंशन हमारा एनलाइटेंड है. सांस लें, सांस को रोक लें, उसी इमोशन के साथ, और सांस के साथ उस इमोशन को मिलने दे, होल्ड करके रखें और धीरे से छोड़ दें सांस को. यदि वो इच्छा, वो भावना हमें अभी भी हमारे चित्त में आ रही है,
तो हम फिर से ये एक्सरसाइज करें। सांस भरें उस इमोशन के साथ, भावना के साथ, इच्छा के साथ, अपने अटेंशन को पूरा उस इच्छा पे रख दें। होल्ड करें और जो सांस है, प्राण वायु है, उसको उस भावना में मिलने दें। रोक के रखें सांस। धीरे से छोड़ दें। फिर एक बार करें। सब अपनी अपनी इच्छाएं रखेंगे। लेफ्ट से उठती हुई इच्छा के ऊपर अटेंशन रख देंगे, सांस भरेंगे, होल्ड करेंगे और होल्ड रहने देंगे थोड़ी देर, जब तक प्राण वायु हमारी इस इच्छा के साथ मिल ना जाए। धीरे से सांस छोड़ देंगे। अब देखेंगे क्या हमारी वो इच्छा बची है या खत्म हो गई। यदि हम निर्विचार हो गए, वो विचार नहीं आ रहा, तो ये समष्टि में चली गई है परम चैतन्य के हाथों में चले गए। किसको ये अनुभव नहीं आ पा रहा, जिसको भी बोले वो अपना माइक खोल के। जैसी माता जी, आंटी। जैसी माता जी। आंटी, मैंने जो डिजायर रखी थी ना अपनी, वो मुझे अब नहीं आई है। नहीं आई तो थी, तब थी दिमाग में, लेकिन अब नहीं। वेरी गुड। और किसको ये अनुभव आया? जय श्री माता जी दीदी। हाँ, जय श्री माता जी रेखा। हाँ, बहुत अच्छा है अनुभव भी, फीलिंग हुआ है कुछ। अच्छा, क्या नाम है आपका? जय बनर्जी। अच्छा अच्छा तो प्लीज ओपनली बताएं, क्योंकि वर्कशॉप रखी ही इसीलिए, अगर नहीं हो पाया है तो फिर एक और प्रयास करेंगे। नहीं, मेरे अभी कुछ फीलिंग नहीं आया है। चलो, वेरी गुड। अंजू, जो इच्छाएं थी और ज्यादा मतलब भावनाएं जो थी ना, बहुत एकदम आगे आ गई। और अच्छा, तो अब एक काम करते हैं। वैसे फिर से ये मैं बताती हूँ कि जो भी इच्छा है उस पे हमने अपना अटेंशन रख दिया और गहरी सांस भरी, और उस सांस को आत्मा अनुभव करने की ना? नहीं, ये आत्मा अनुभव करने की नहीं है। माँ की एक अमृत वाणी अभी चलवाई थी माँ ने, जिसमें गहरी सांस भर के जो भी आपका इमोशन है या जो इच्छा है उसको आप अपने अटेंशन पे रखें और सांस रोक लें, होल्ड करें अपनी ब्रीथ को, और प्राण वायु जब किसी इच्छा के साथ मिल जाती है
और फिर उसके बाद उसको धीरे से सांस को छोड़ दें। ऐसा दो बार करने से ही, तीन बार करने से ही हमें निर्विचारिता आती है, क्योंकि जो हम ऊपर का फील नहीं कर पा रहे वो आज्ञा चक्र पे ही जब रुक जा रहा है इसलिए ऊपर नहीं जा पा रहे, इसीलिए ऊपर का अनुभव नहीं आ रहा, विचार आ रहे हैं। तो उन विचारों को, विचारे और कुछ नहीं है, भूत और भविष्य की तरफ से आते हैं। तो कोई भी इच्छा जो आपके पास आई उसको आपने अपने अटेंशन पे रख दिया, गहरी सांस भरी, होल्ड की, और छोड़ दी। ये जो निर्विचारिता इस समय आई है ये हम परम चैतन्य के द्वारा गोद में ले लिए गए। माँ की शक्तियों ने उस इच्छा को संभाल लिया। किसी को ये अनुभव अभी भी नहीं आ रहा है तो बताएं। नंद कुमार जी बोलिए। ये वाकई में बहुत अच्छा अनुभव आया जी, बहुत अच्छा लगा। जैसे 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 आपने बोला जैसे किया, बिल्कुल निर्विचार होगा, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सही कहा। हाँ अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जय श्री माता जी। मुझे थोड़ा सा कुछ क्लियर करना है। जैसे आप मैंने बोला ना कि इमोशन में अपनी इच्छा रखनी है, तो मतलब क्या वर्बली जो है वो, या फिर नहीं 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 वर्बली नहीं, जब नहीं, हम नहीं, वर्ड, वर्ड, मतलब संसारिक मतलब वर्डली या फिर स्पिरिचुअल। अच्छा नहीं, जो भी इच्छा है, स्पिरिचुअल इच्छाओं से भी हम बड़े परेशान रहते हैं कि देखो मेरा ये चक्र खराब गया, मुझे ये नहीं हो रहा। जो भी इच्छा है, इच्छा मतलब इच्छा वो पूरी होती है। मतलब जैसे मतलब ये है कि मतलब मैं चाहती हूँ कि बहुत ज्यादा मतलब आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही, तो मतलब ये भी इसी में आए। हाँ ये भी उसी में, ठीक है, क्योंकि इच्छा सब जब से आ रही है। अच्छा अब हम ये चर्चा करते हैं कि जब ये नहीं आ रहा और जिनको वाइब्रेशंस नहीं आ रहे तो वो क्या करें, उनको कैसे पता चले कि मुझे लेफ्ट जाना अपना क्लियर करना है कि मुझे राइट क्लियर करना है, या कहाँ पे दिक्कत आ रही है ना। तो नाक के नीचे अपनी उंगली रखें और हवा छोड़े और देखें कि किस नाक से कम आ रही है या किस से ज्यादा आ रही है। तो जिससे भी कम आ रही है उस तरफ को आप क्लियर करें, ठीक है। तो हमारा क्लियर हो गया कि लेफ्ट या राइट, हमें ये तो पता ही है। लेफ्ट साइड में हमें कैंडलिंग करनी है, अजवाइन कपूर की धुनी करनी है और महाकाली और भैरवनाथ जी का आवाहन करना है, और राइट साइड में महासरस्वती और महाहनुमान। हमको पता है भैरवनाथ जी महाकाली के अनन्य भक्त थे, वो बहुत ही बड़े तांत्रिकों के महातांत्रिक थे और उन्होंने महाकाली को, माँ वैष्णो को वश में करने का प्रयास किया, और जब वो माँ वैष्णो ने क्षमा करती रही लेकिन जब उनका सर काट दिया तब उनको ज्ञात हुआ कि ये देवी हैं और
महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी हैं, तो उन्होंने माफी मांगी और तब से वो महाकाली के इस स्वरूप से, क्योंकि माँ जब भी क्रोध में होती हैं वो महाकाली स्वरूप में होती हैं, तब से वो उनके भक्तों की अनन्य सेवा करने लगे, नहीं तो वो उन्हें परेशान करते थे। तो महाकाली की शक्तियां भैरवनाथ जी कार्य करते हैं, सेवक हैं वो माँ के। इसी तरह से महासरस्वती और हनुमान जी की शक्तियां, हनुमान महासरस्वती जी ने पांचों तत्वों की रचना की, पूरी सृष्टि की रचना की, और हनुमान जी ईथर में हैं। हनुमान जी अणिमा लघिमा गरिमा, यानी कि बहुत सूक्ष्म हो सकते हैं, बहुत बड़े हो सकते हैं, और अणिमा मतलब किसी भी चीज में पेनिट्रेट कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। तो ये हमें हनुमान जी की शक्तियां हमारे साथ कार्य करने लगती हैं, ठीक है। तो महासरस्वती जी के, जिन्होंने पंच तत्वों की रचना की, जिन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की, उनके उनमें जब हमें परमिएट करना है तो हनुमान जी की शक्तियां कार्य करती हैं, ठीक है। सो हमको बहुत गहराई से सहज योग को लेना है, ये कैजुअल लेने वाली चीज नहीं है। ये शक्तियां माँ चाहती हैं कि हम इनको प्राप्त करें, और इसका द्वार माने खोला है सहस्त्रार को खोल के, उसके ऊपर हमको अभ्यास करना होगा। यदि ऊपर नहीं जा पा रहे, आकाश तक नहीं जा पा रहे, क्योंकि सब कुछ जो परम चैतन्य है वो कहाँ है, सहस्त्रार के ऊपर चराचर में फैले हुए हैं, और उनसे ही जब कुंडलिनी शक्ति का योग होता है वही योग घटित हो जाता है। तो उसके लिए सहस्त्रार के ऊपर तो चलना ही होगा, अर्धबिंदु बिंदु वलय तक तो पहुंचना ही होगा। तो अगर माँ ने कहा आज्ञा चक्र खुलने के बाद ही आप पंच तत्वों तक पहुंच सकते हैं, तो यदि विचार आते जा रहे हैं इसलिए ऊपर का अनुभव हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि चित्त विचारों में बोझिल है। तो सबसे पहले निर्विचारिता का और अटेंशन के द्वारा इसका अब हम एक अनुभव लेते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग का क्लियर हो गया कि लेफ्ट या राइट को हमें, प्लीज अपने सब लोग वीडियोस ऑफ रखें, वीडियो ऑफ कीजिए प्लीज। वीडियोस ऑफ रखें प्लीज। तो अब हम जो एक्सरसाइज करेंगे, अब हमारी जो एक्सरसाइज होगी, हमने लेफ्ट और राइट का, यदि वाइब्रेशन के माध्यम से नहीं पता चल रहा है तो अपनी नाक से लेफ्ट और राइट को महसूस करें, कहाँ से हवा ज्यादा आ रही है, कहाँ से कम आ रही है, और उसको बैलेंस करें, क्योंकि इम्बैलेंस होगा तो भी निर्विचारिता नहीं आ पाएगी। तो अब हम चलते हैं अटेंशन, जो कि स्वयं ईश्वर है, चित्त जहां भी जाता है क्रियान्वित क्यों हो जाता है, क्योंकि वो चित्त शक्ति श्री माता जी है और चित्त ईश्वर है। चित्त जब साक्षी भाव से किसी चीज को देखता है, निर्लिप्त भाव से, तो वो कार्य घटित हो जाता है। सामान्यतया हमारा चित्त दैवीय है, चित्त के माध्यम से ही हमारी पांच इंद्रियां कार्य करती हैं, आंखें देख पाती हैं, कान सुन पाते हैं, हम बोल पाते हैं, हम स्पर्श को महसूस कर पाते हैं, हम गंध को सूंघ पाते हैं। चित्त के ही माध्यम से सब घटित होता है। चित्त जब बाहर चला जाता है तो वो उलट जाता है। योगी
ये क्षमता रखता है, सहज योगी को ये वरदान है कि वो अपने चित्त का निरोध कर सकता है, अपने चित्त को अंदर खींच सकता है। क्योंकि जब माँ कुंडलिनी जागृत होती है तो ना कि सिर्फ हमारे नाभि चक्र को स्वच्छ करती है, नाभि से नीचे आके स्वाधिष्ठान चक्र को स्वच्छ करते हैं, अर्थात हमारे चित्त को स्वच्छ कर देती, फिर भवसागर को पार करके हमारी आत्मा को जो बाएं हृदय में है प्रकाशित करती है, और उनके साथ हमारा चित्त भी प्रकाशित हो जाता। अभी चित्त एक टॉर्च की तरह है, जहां भी ये चित्त जाएगा वहां सब कुछ प्रकाशित हो जाएगा, और वहां का सारा माहौल सब चीज हम महसूस कर सकेंगे, देख सकेंगे, जान सकेंगे, ज्ञान हमें उसका प्राप्त होगा। तो ये चित्त जितना अधिक श्री माँ के चरणों में रहे, देवी देवताओं के शरण में रहे, उतना ही अच्छा, नहीं तो चित्त कहीं गलत भी उलझ सकता है। तो जब हमारा चित्त प्रकाशित हो गया, निर्विचारिता को पाने का बहुत ही सरल माध्यम जो हम सब जानते हैं, जब हम रियलाइजेशन देने जाते हैं तो हम बच्चों से कहते हैं कि अपना राइट हैंड लेफ्ट हार्ट पे रख लो। क्यों कहते हैं हम? क्योंकि हम ये नहीं कह सकते उनको, उनके पास वो अभी क्षमता नहीं, वो समझ नहीं कि वो अपने बाएं हृदय के अंदर बिना हाथ रख के चित्त से चले जाए, वरना जहां हमारा हाथ जाएगा वहां हमारा चित्त चला ही जाता है। हम उनका चित्त वहां ले जाने के लिए उनका हाथ रखवाते, और जय श्री माता जी भी हम इसी प्रकार से बोलते हैं, आत्मा पे हाथ रखें, क्योंकि माँ ने हमारी आत्मा प्रकाशित की जिससे हमारा चित्त प्रकाशित हुआ। तो एक बार चित्त को आत्मा में रखते हैं, और करना क्या है, आत्मा को जैसे कुछ चीज टटोलते हैं, ढूंढते हैं, जब खो जाती है हाथ डाल के फील करने की कोशिश करते हैं, जैसे सुई का डब्बा है, धागे भी हैं, सुई भी है, कैंची भी है, पिन भी है, और अंधेरा है तो उसमें हमने हाथ डाला, चुभन जैसी हुई तो ये सुई है तो सुई निकाल ली, या धागे जैसी फीलिंग आई तो धागा बाहर निकाल लिया। उसी प्रकार से हमको टटोलना है, महसूस करना है आत्मा को, अपने बाएं हृदय के अंदर पूरा चित्त ले जाना, दिल दिमाग शरीर सारा उतार देंगे बाएं हृदय में, और ढूंढेंगे आत्मा को। धड़कन है, थक थक कर रहा है, या ठंडक है, कहाँ है मेरी आत्मा? हिमा कुंडलिनी मुझे आत्मा का अनुभव प्रदान करे। उठी जागी माँ कुंडलिनी, मेरी आत्मा को जागृत कर दीजिए। पूरा चित्त बाएं हृदय के अंदर है, महसूस हो रही है आत्मा।
गोल गोल घूमता हुआ एक चित्त का गोला आत्मा के चारों जय श्री माता जी। अब बताइए कि निर्विचारिता आई या नहीं, भूल जाइए कि प्रकाश देखा, अंगूठे के आकार की आकृति देखी। देखना कुछ नहीं है, महसूस करना है। धड़कन महसूस हुई, कुछ हवा की तरह गोल घूमा, कुछ भी, एकदम शांति निर्विचारिता आई। हाँ शांति तो आई, सर पे खूब ठंडा अच्छा लग रहा था। बस तो आत्मा से मिलन हो गया। यदि ये घटित हो गया तो आत्मा से अब हमारा कार्य बहुत आसान हो गया, क्योंकि अब हमारा चित्त प्रकाशित हो गया आत्मा में चित्त रखने से। क्योंकि चित्त हमारा कहाँ था? आत्मा में। ढूंढ कौन रहा था? चित्त ढूंढ रहा था। क्या ढूंढ रहा था? आत्मा ढूंढ रहा था। और जब नहीं महसूस हो तो माँ कुंडलिनी से तुरंत प्रार्थना करें कि माँ उठिए, जागिए, मुझे मेरी आत्मा का अनुभव प्रदान कीजिए, मेरी आत्मा को जागृत कर दीजिए माँ कुंडलिनी, प्रकाशित कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। दीदी बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद श्री माता जी। अब निर्विचारिता को, क्योंकि सब कुछ क्या है? चित्त निरोध है, और चित्त ही सब कुछ है, ये हमको याद रखना है। ये विशेष शक्ति श्री माता जी ने हमको दी। अभी एक आखिरी और कवर करती हूँ, टाइम बहुत हो चला है। दोनों हाथ खोल लेंगे। जैसा कि हमको पता ही है कि हमारे हाथों में हमारी उंगलियां, अंगूठे किसी न किसी चक्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हथेली, हमारी कलाई किन चक्रों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हम कभी बाद में करेंगे। अभी दोनों हाथ खोल लें और महसूस करें कि रीढ़ की हड्डी में एकदम नीचे से श्री गणेश जी की कृपा से अंदर चलते चलते ब्रह्मरंध्र से बाहर आके सीधी रेखा में जाते जाएंगे, आकाश को स्पर्श कर लेंगे। और अब आकाश को स्पर्श करते ही परम चैतन्य बरसने लगते हैं। अब इसमें भीगेंगे हम और अपने चित्त को ले आएंगे अपनी हथेलियों पे। सबसे पहले बाई हथेली, दिल दिमाग शरीर पूरा हथेली के बीचों बीच, अंगूठे पे, आगे वाली उंगली पे, आगे वाली उंगली पे, आगे वाली उंगली पे, छोटी उंगली पे, दिल दिमाग शरीर पूरा लेफ्ट हैंड पे बरसता हुआ परम चैतन्य। अब राइट हैंड हथेली पे चित, दिल दिमाग शरीर चित सब कुछ, दाई हथेली के बीचों बीच महसूस करें अपने दाएं सहस्त्रार को, अंगूठा, नेक्स्ट फिंगर, नेक्स्ट फिंगर, अटेंशन मूव करते जाएंगे, नेक्स्ट फिंगर एंड द लिटिल फिंगर, पूरी दाई हथेली पे चित,
परम चैतन्य बरस रहे हैं निरंतर, आकाश से अंतरिक्ष में चलेंगे, अंतरिक्ष से शून्य में, शून्य के अंदर आ जाएंगे। श्री सदाशिव के श्री चरणों में नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु आपकी कृपा से मैं शुद्ध आत्मा, मुझे योग प्रदान कीजिए, मुझे अपने हृदय में समा लीजिए। समा जाएंगे प्रभु के हृदय में, गहन शांति। धीरे धीरे बाहर आएंगे, श्री चरणों में नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हे प्रभु मन वचन या कर्म से, शरीर के किसी भी अंग से यदि आपके खिलाफ जाने अनजाने किसी भी जन्म में कोई भी अपराध हुआ हो तो हे शिव शंभु मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें शिव शंभु। शून्य के अंदर नमन करेंगे, अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। अंतरिक्ष में आएंगे, आकाश में आएंगे, पूरे विश्व में फैला देंगे ये वाइब्रेशन से परम चैतन्य, अपने परिवार में, समाज में, अपने घर में, सहस्त्रार पे उतरेंगे, श्री माता जी के श्री चरणों में नमन करेंगे। माँ मैं आपका यंत्र हूँ, मेरा जीवन आपका है, मेरा सब कुछ आपका है श्री माता जी। धन्यवाद श्री माता जी, आपने हमें इतना कुछ दिया, आशीर्वादित की हिमाधि शक्ति, हमें सदैव अपने श्री चरणों में रखना। आपको अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। धीरे धीरे आज्ञा विशुद्धि और मध्य हृदय में आएंगे, माँ जगदम्बा को नमन करेंगे, सभी देवी देवताओं को नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे क्योंकि इनकी कृपा और शक्तियों से ही हम ऊपर उठ सके, चक्रों को जागृत कर सके। जय श्री माता जी। आज के इस वर्कशॉप को यहीं कंक्लूड करेंगे। जय श्री माता जी। 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 सबका बेटा, जय श्री माता जी। थैंक यू माँ, थैंक यू उनका बेटा। माँ को इतना धन्यवाद कि आज सिलसिले बार माँ ने ये तीन चीजें आज करवाई, इतनी सुंदर कि इतना इजी कर दिया। जो माँ कहती थी कि निर्विचार हो जाओ, निर्विचार किले में चले जाओ, इच्छाओं को छोड़ दो, आज उन्होंने और उसको इजी कर दिया। इतना सुंदर, इतनी सुंदर स्थिति दी है, इतनी सुंदर निर्विचारता दी है। थैंक यू माँ, और थैंक यू आपके यंत्र को कि आपकी बात को समझकर हम तक पहुंचाने के लिए। जय श्री माता।
ठीक है, थोड़ी हेल्प मिलेगी इससे आज की वर्कशॉप से? बिल्कुल मिलेगी, बहुत अच्छी हेल्प मिलनी चाहिए सबको, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल सामने करके सिखाया सामने, आप अपने आप रिपीट भी कर लेंगे इसको ना। हाँ हाँ हाँ, प्लीज डू दैट। थैंक यू। जय श्री माता जी अलका। जय श्री माता। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। जय श्री माता जी दीदी, अलका दीदी। जय श्री माता जी दीदी। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू श्री माता जी। जय श्री माता जी।